में जो प्रिंसिपल्स हैं उस पर कायम रहना चाहिए, ये बात की बात की है। और हमेशा जहाँ से विस्पर्श भूमि से आप आए हो, खास करके जो किसान है वो देश को अनाज देता है और सैनिक भी अपने पास से ही देता है, दो चीजें किसान देता है। अपने जो नौजवान है वो सैनिकों में भर्ती करता है सेना में, और देश के लिए अनाज जाता है। तो जब ही जय जवान और जय किसान का जो नारा है वो लगा, ये आपकी जो समस्या है इसका पूर्ण रूप से समर्थन भारतीय किसान यूनियन करती है। जो आपका वन बैंक वन पेंशन वाला मामला है, हम चाहते हैं कि सरकार इस पर बैठ कर बातचीत करे। और जब सरकार आई बनने से पहले उन्हें इस चीज़ों को कहा भी था कि हम इसको लागू करेंगे भी। बीच में बातचीत भी चली, क्या रहा उसका समाधान नहीं निकल पाया। और बड़ा शर्म की बात है कि जो हमारे बुजुर्गवार जिन्होंने अपनी पूरी जवानी वोटरों पर गुजारी और बुढ़ापे में भी आंदोलन उनको करना पड़े, तो ये सरकारों को शर्म आनी चाहिए और इन फौजियों की जो समस्या है इसका समाधान करना चाहिए। हमेशा देश ये पूरा देश फौजियों का बेहतर दिल से सम्मान करता है, वो चाहे हिंदुस्तान का कहीं पर भी आदमी हो उसका सम्मान करता है। हम अभी बाहर गए, इन्होंने जो बात बताई, हमारा भी संगठन ये बेहतर देशों में है, क्योंकि जितनी बड़ी कंपनियों से आज देश में लड़ाई है वो पूरी दुनिया पे राज करना चाहती है। तो हमारे पूरे दुनिया के किसान अब अपने तरीके से वहाँ पे आंदोलन करते हैं उन कंपनियों के खिलाफ अब अपने देश में, और उसी से ही हम बच सकते हैं। जैसे अभी बीच का सवाल है, अभी कंपनियों के बीच हमारे बीच माने शुरू हो गए, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड जो बेहद खतरनाक बीज है, जो महाराष्ट्र में बीटी कोटा नाइन पंजाब के यहाँ पर किसान बैठे होंगे, पूर्ण रूप से जो बीटी पंजाब के किसानों ने उगाई और वो पूर्ण रूप से फैलियर हुई, तो हमारा उसका भी हमारा विरोध है। हमारे फसलों के रेट हमारे मिले, ये हमारा एक आंदोलन है। हमारे जो सैनिक हैं उनको पूर्ण रूप से सम्मान मिले और जो उनकी डिमांड है वो पूर्ण रूप से उनकी मांग पूरी हो, सरकार करे, हमारा पूरा समर्थन इसमें है। जय हिंद, जय भारत, जय सैनिक। बहुत अच्छी बात है सर, हम अपने किसान भाइयों का और अरविंद सकैत जी जो हमारे नेशनल प्रेसिडेंट है किसानों के, हम इनको अपना सिपाहियों का समर्थन इनको एक सरोपा भेंट करके देना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, और हम आगे सारी इकट्ठी बढ़ के प्लानिंग करके एग्जीबिशन करेंगे।